नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 जनवरी 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हम रेडिकलाइजेशन के रोड के बारे में यानी टेररिज्म और लोन वोल्फ अटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट के नुकसान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल में ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं निकलते, लेकिन 2-3 पॉइंट जो भी निकलते हैं जिनको हम आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटैम्प्ट करना है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया शेयर कन्वर्जिंग इंटरेस्ट एंड सिमिलर वैल्यूज़। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं, वैल्यूज़ भी सेम हैं, तो आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप का जो पोटेंशियल है उसे डिस्कस करना है 250 वर्ड्स में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है अमिताभ मट्टू के द्वारा। एक फेमस राइटर है डेविड होन। इन्होंने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ज़्यादा लकी देश है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, वेदर काफ़ी अच्छा रहता है ऑस्ट्रेलिया का, और पास्ट में देखो जहाँ पर खून खराबा हुआ है, युद्ध हुए हैं, जैसे World War I, World War II, उन सब से ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन काफ़ी दूर रही है। यानी ऑस्ट्रेलिया खून खराबे से, युद्ध से दूर रहा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है काफ़ी ज़्यादा लकी देश है। लेकिन देखो आज के समय में ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर लगी हुई हैं, वाइल्ड फायर्स, वो ऑस्ट्रेलिया के 12 मिलियन हेक्टेयर लैंड को प्रभावित कर रही हैं। इस फॉरेस्ट फायर से ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा फ्लोरा यानी पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं, हजारों वाइल्ड एनिमल्स मारे जा चुके हैं, इनमें से काफ़ी सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं। रेजिडेंट्स और टूरिस्ट को बहुत दूर जाना पड़ा है वाइल्ड फायर से बचने के लिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया अभी फिलहाल एक बहुत बड़ी ट्रेजडी से जूझ रहा है। लेकिन देखो क्राइसिस की इन घड़ियों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पास मौका है, वो अपनी पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में बहुत कुछ कॉमन है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बहुत सारी जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेम हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक इंग्लिश स्पीकिंग देश है और इंडिया में भी इंग्लिश बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी है। ऑस्ट्रेलिया का कल्चर काफ़ी डाइवर्स है, हम भी एक मल्टीकल्चरल देश हैं। वहाँ पर फेडरल डेमोक्रेसी है, हम भी फेडरल डेमोक्रेसी हैं। पास्ट में ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है ऑस्ट्रेलिया, हम भी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं। दोनों देश बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ में, दोनों देश ये विश्वास करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में जो सीज हैं वहाँ पर फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सॉवरनिटी और प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर आधारित हो। तो कहने का मतलब ये है बहुत कुछ सेम है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। जैसे देखो सबसे पहला पॉइंट आता है क्लाइमेट चेंज। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत बड़े स्केल पे वाइल्ड फायर लगी हुई है, कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, वैसे तो हर साल ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर लगती है, लेकिन इस बार बड़े स्केल पे लगी है और अभी तक बुझ नहीं रही है। इसका एक रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा देखो बुश फायर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पेड़ों में आग लगने से जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके रखी थी पेड़ों ने, वो अब एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी और इससे ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा होगी, क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा होगा। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं क्लाइमेट की वजह से जो तबाही हो रही है उसके बिल्कुल मिडल में है ऑस्ट्रेलिया। एविडेंस हमें ये बताते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है वो धीरे धीरे अब नष्ट हो रहा है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज रेन फॉरेस्ट हैं वो भी जल रहे हैं। बहुत बड़े कैल्प फॉरेस्ट, देखो समुंदर में पानी के नीचे जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है कैल्प फॉरेस्ट, वो भी अब धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं। और सबसे लास्ट में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी है या फिर पानी ख़त्म हो चुका है। और देखो अब ये कॉन्टिनेंट जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बहुत बड़े स्केल पर जल रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया है। जैसा हमने डिस्कस किया, बुश फायर तो हर साल लगती है लेकिन इस बार इंटेंसिटी और स्केल काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर ये कहा जाता है क्लाइमेट की वजह से जो तबाही हो रही है उसके बिल्कुल बीचों बीच है ऑस्ट्रेलिया। वैसे देखो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी एक कैंपेन चल रहा था कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल
कोल, ऑयल, इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए क्योंकि इनसे एमिशंस काफ़ी ज़्यादा होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। बट ऑस्ट्रेलिया में जिस स्केल पर अब बुश फायर्स लगी हैं तो ऐसा लगता है फॉसिल फ्यूल्स के विरुद्ध जो कैंपेन है ऑस्ट्रेलिया में वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरी तरफ देखो इंडिया भी सेम बोट में है। इंडिया में भी हम हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स फॉर एग्जांपल कोल और ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। मतलब दोनों देश सेम बोट में हैं, दोनों देश आपस में बहुत कोऑपरेट कर सकते हैं एनर्जी के क्षेत्र में, दोनों देश मिल के काम कर सकते हैं ताकि क्लीन कोल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके या फिर एनर्जी के दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको बेहतर ढंग से एक्सप्लोर किया जा सके जिससे एमिशंस कम से कम हो। इसके अलावा देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें दोनों देश हैं, इस अलायंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के द्वारा मिलकर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। देखो इंडो पैसिफिक रीजन में जैसा आपको पता है चाइना जो है अपनी डोमिनेंस इंक्रीज करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। चाइना इंटरनेशनल रूल्स के अगेंस्ट जाके काम करता है और जो ओपन सीज हैं, हाई सीज जहां से किसी भी देश का शिप गुजर सकता है वहां पे भी चाइना ब्लॉकेड लगाता है और सी लेंस जो हैं कम्युनिकेशन की उन्हें ब्लॉक करता है। तो ये चीज़ देखो ना तो इंडिया के इंटरेस्ट में है ना ही ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट में है। तो इस पॉइंट पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और बहुत सारे एरियाज हैं जैसे वाटर मैनेजमेंट, ट्रामा रिसर्च, स्किल, हायर एजुकेशन, मैरीटाइम, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर दोनों देशों के पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है आपस में कोऑपरेट करने का। देखो कुछ साल पहले एक सर्वे कंडक्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट और सिडनी के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर। ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे था जिसमें इंडिया के लोगों की ओपिनियन पूछी गई थी फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर। इस सर्वे में इंडिया के लोगों ने जो अपनी ओपिनियन बताई थी उसके अनुसार इंडिया के लोग काफ़ी क्लोज फील करते हैं यूएसए के, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद जापान और चौथे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया चौथा ऐसा देश है उस सर्वे के अनुसार जिसके इंडियंस सबसे ज़्यादा क्लोज फील करते हैं। इसके अलावा देखो इंडियंस आज बहुत बड़ी संख्या में हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्किल्ड माइग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं और इंडिया से हैं। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में वो इंडियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा देखो RCEP की नेगोशिएशंस में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों थे, वो बात अलग है कि अपने कुछ कंसर्न्स के चलते इंडिया ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम RCEP में शामिल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया के कंसर्न्स को समझते हैं और अब ऑस्ट्रेलिया ये उम्मीद कर रहा है दोनों देशों के बीच जल्द ही एक बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। लास्ट में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है जब देखो इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गया और कोल्ड वार में दोनों देश अलग अलग ग्रुप में थे। ऑस्ट्रेलिया यूएसए के ग्रुप में था और इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट का झंडा बुलंद कर रहा था। इंडिया वैसे ये चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया एशिया के ज़्यादा करीब आए और बांडुंग एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जिससे नींव पड़ी थी नॉन अलाइन मूवमेंट की, ऑस्ट्रेलिया इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले। बट ऑस्ट्रेलिया ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद दोनों देशों के रास्ते अलग अलग हो गए और ऑस्ट्रेलिया जो था वो एशिया के ज़्यादा क्लोज नहीं आ सका। 50 सालों तक दोनों देशों के रास्ते अलग अलग रहे लेकिन ऑलमोस्ट 20 साल पहले से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होने स्टार्ट हुए। ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही फेमस फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, उन्होंने 1965 में लिखा था कि देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश ऐसे देश हैं जिनके बीच फर्टाइल ग्राउंड तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कोऑपरेशन का स्कोप तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ये नहीं पता कौन से सीड्स बोए जाएं, मतलब ये नहीं पता किन एरियाज में कोऑपरेशन किया जाए। अब 50 सालों बाद देखो बहुत से एरियाज हैं, मतलब बहुत से सीड्स हैं जिनको बोया जा सकता है, बहुत से एरियाज में कोऑपरेशन किया जा सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं, मतलब बहुत सारे एरियाज तो ऐसे हैं जहां पर कोऑपरेशन हो ही रहा है, उस कोऑपरेशन को आगे ले जाने की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, वो देखो इंडिया की यात्रा पर आने वाले थे लेकिन उनकी जो विजिट है वो पोस्टपोन हो गई ऑस्ट्रेलिया में लगी बुश फायर्स की वजह से, लेकिन जल्द ही वो भारत की यात्रा पर आएंगे
और उम्मीद ये की जाती है अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो सेक्रेटरी लेवल की बातचीत होती है उसे एलिवेट किया जाए और 2+2 फॉर्मेट की बातचीत हो। 2+2 मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर उनके फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से आपस में मिलें। अभी देखो हमारी 2+2 मैकेनिज्म के तहत बातचीत होती है जापान से और यूएसए से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप से संबंधित। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल रेडिकलाइजेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है अक्षत उपाध्याय के द्वारा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए लोन वोल्फ टेरर का क्या मतलब होता है। देखो लोन वोल्फ टेरर का मतलब ये होता है जब कोई एक्टर या फिर टेररिस्ट बिना किसी कमांड एंड स्ट्रक्चर के, बिना किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की सहायता के खुद ही टेरर अटैक को अंजाम दे देता है तो उसे कहा जाता है लोन वोल्फ अटैक, क्योंकि उसने ना तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ली ना ही वो किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। वो पर्सन खुद ही रेडिकलाइज हुआ। रेडिकलाइज कैसे भी हो सकता है, इंटरनेट पर मौजूद मटेरियल की सहायता से या फिर टीवी पर जो प्रोपेगेंडा आता है उसकी सहायता से या फिर फिजिकली किसी ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। रीजन कोई भी हो सकता है बट उसने टेरर अटैक को अंजाम देने के लिए किसी की सहायता नहीं ली, उसने खुद से ही रिसोर्सेज को जुटाया और टेरर अटैक को अंजाम दे दिया। तो इस प्रकार के अटैक्स को कहा जाता है लोन वोल्फ अटैक। देखो वर्ल्ड में पिछले 1-2 सालों में काफ़ी सारे अटैक्स हुए हैं और ये देखकर कि अटैक में कैसे वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है और अटैक करने वाले का धर्म क्या है, बिलीफ क्या है और कितने लोग उस अटैक में मारे गए हैं, बहुत से अटैक्स को लोन वोल्फ अटैक्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है। बट देखो उन सभी अटैक्स को लोन वोल्फ की कैटेगरी में डालना बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के बाद, इससे फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इफेक्टिव पॉलिसीज को नहीं अपना पाते हैं। फ्यूचर में जो वास्तव में रीजंस रहे थे टेरर अटैक्स के, उन रीजंस को एड्रेस करने के लिए, समझ गए, मतलब ये है कि बस मान लिया गया कि वो लोन वोल्फ अटैक थे और उनको उस कैटेगरी में डाल दिया गया बट वास्तव में उनके रीजंस कुछ अलग थे। अगर पहले ही रीजंस को फाइंड आउट कर लिया जाता तो अच्छे से उन्हें फ्यूचर में एड्रेस करके फ्यूचर टेरर अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सकता था। बट बिना जांच पड़ताल के आपने लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में उन अटैक्स को डाल दिया तो फ्यूचर में आप अच्छे से पॉलिसीज को नहीं अपना पाए फ्यूचर टेरर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए। 3 एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं आर्टिकल में। सबसे पहले देखो यूके में एक ब्रिज पर अटैक हुआ, चाकू मारने की घटना हुई और उसके आरोपी थे उस्मान खान, इसको लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डाल दिया गया। खान एक रेडिकल प्रीचर थे, वो पहले भी अरेस्ट हो चुके थे, लंदन स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाने का उनका प्लान था लेकिन पहले ही पता लग गया और उन्होंने 8 साल की जेल काटी। तो देखो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उस्मान खान जो थे उन्होंने लोन वोल्फ टेरर अटैक को कैरी आउट किया, वो एक कमांड एंड स्ट्रक्चर का हिस्सा थे, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा टेरर ऑर्गेनाइजेशन से और उनकी कमांड्स पर उन्होंने काम किया। और हैरानी की बात ये है प्रिजन में उनका जो पहले माइंड वॉश हुआ था उसे एड्रेस करने के लिए काउंटर रेडिकलाइजेशन मेजर्स अपनाए गए थे बट उसका कोई असर नहीं हुआ और 8 साल जेल काटने के बाद जब उस्मान खान जेल से बाहर निकला तो उसने फिर से चाकू मारा कुछ लोगों को लंदन के ब्रिज पर। तो इस अटैक को आप लोन वोल्फ टेरर अटैक नहीं कह सकते क्योंकि उस्मान खान ने इसी प्रकार के आरोप में 8 साल की जेल काटी थी और यूके की सरकार को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि उस्मान खान की रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए प्रिजन में यानी जेल में जो काउंटर रेडिकलाइजेशन मेजर्स अपनाए गए थे वो सफल क्यों नहीं हुए। अगर देखो वो सफल होते तो जेल से छूटने के बाद उस्मान खान फिर से टेरर अटैक को अंजाम नहीं देता। तो लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डालने से ये जो चीज़ें हैं वो एड्रेस नहीं होंगी। असल में रीजंस को फाइंड आउट किया जाता है प्रॉपर जांच पड़ताल के बाद, तब जाके फ्यूचर में इस प्रकार के टेरर अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा देखो यूएसए में भी 2 अटैक्स हुए और उनको लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डाला गया। एक तो देखो जॉइंट बेस पर्ल हार्बर हिकम में एक अटैक हुआ था जिसे लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डाला गया। दूसरा पेंसाकोला नेवल एयर स्टेशन यूएसए में जो अटैक हुआ था उसे भी लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डाला गया।
देखो, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा, हालांकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो न्यूज़ रिपोर्ट्स निकल कर आई, जॉइंट बेस पर्ल हार्बर हिकम में जो अटैक हुआ वो होमिसाइड था। मतलब जिसने वो अटैक अंजाम दिया उसका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था, उसने वैसे ही उस अटैक को अंजाम दिया और ये एक होमिसाइड था, मतलब हत्या थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। और सबसे लास्ट में नेवल एयर स्टेशन जो कि है पेंसाकोला फ्लोरिडा में, यहाँ पर जो अटैक हुआ वो कैरी आउट किया गया मोहम्मद अल समरानी के द्वारा। मोहम्मद अल समरानी के द्वारा जो अटैक कैरी आउट किया गया, इसे आप लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डाल सकते हो, क्योंकि मोहम्मद अल समरानी की नफरत थी यूएसए के अगेंस्ट और यूएसए की जो पॉलिसीज हैं मुस्लिम से संबंधित उनके अगेंस्ट हैं। मोहम्मद अल समरानी की फैमिली का कहना है कि उसने कभी भी एक्सट्रीमिज्म या फिर वायलेंस के प्रति अपनी इंक्लिनेशन यानी अट्रैक्शन शो नहीं की थी, और किसी भी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली मोहम्मद अल समरानी के द्वारा जो टेरर अटैक अंजाम दिया गया। तो इस अटैक को आप लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डाल सकते हो। समझ गए? मतलब इन एग्जाम्पल्स की सहायता से राइटर ये साबित करना चाहते हैं कि हर एक टेरर अटैक को या फिर हर एक वायलेंट इंसिडेंट को आप लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में मत डालिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो दूसरे टेरर अटैक्स के पीछे जो रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं उनको आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो रेडिकलाइजेशन में चार स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है प्री रेडिकलाइजेशन। इस स्टेज में वो पर्सन जो आगे जाके टेरर अटैक करता है उसकी माइंड स्टेट बिल्कुल ब्लैंक होती है। दूसरी स्टेज होती है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। इस स्टेज में वो पर्सन ये रिकॉग्नाइज करता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो अलग है, यूनिक है या फिर सुपीरियर है। तीसरी स्टेज होती है इंडोक्ट्रिनेशन। इस स्टेज में क्या होता है, वो पर्सन इस प्रकार की बातें मानने लगता है कि मेरे साथ या फिर मेरी कमिटी के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है। मतलब उस पर्सन का माइंड वॉश होना स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट जो स्टेज होती है वो है जिहादियाइजेशन। इस स्टेज में क्या होता है, वो पर्सन ठान लेता है कि मैं टेरर अटैक को अंजाम दूंगा और सो कॉल्ड रिवेंज लूंगा। तो इस स्टेज में टेरर अटैक को अंजाम दिया जाता है उस पर्सन के द्वारा। अब देखो फाइनली क्या पुश फैक्टर होगा कि वो पर्सन टेरर अटैक करेगा, ये कोई नहीं जानता। हर एक लोन वोल्फ टेरर अटैक के लिए जो फाइनल रीजन है वो अलग अलग हो सकता है, ये सरकमस्टांसिस पर डिपेंड करता है। बट हर एक टेरर अटैक को लोन वोल्फ टेरर अटैक की कैटेगरी में डाल देना, मतलब टेरर अटैक के रीजंस को ओवर सिंप्लीफाई करना, इससे देखो किसी का फायदा नहीं होता। ना तो सिविल सोसाइटी का फायदा होता है, ना ही उस देश का फायदा होता है जिस देश की सरकार ये सब कर रही है। लास्ट में राइटर के द्वारा एक पॉइंट ये भी दिया जाता है कि देखो अक्सर ऐसा देखा जाता है वो टेररिस्ट जो लोन वोल्फ टेरर अटैक को अंजाम देते हैं उनकी फैमिली में पेट्रियार्की होती है, इस वजह से बाकी लोगों को पता भी नहीं लगता कि वो शख्स जिसने लोन वोल्फ टेरर अटैक को अंजाम दिया है वो रेडिकलाइज हो चुका है या फिर वो इस प्रकार का काम करने जा रहा है, क्योंकि पेट्रियार्की का कारण ज़्यादा इंटरेक्शन होती नहीं फैमिली में या फिर पता नहीं लग पाता कि वो पर्सन रेडिकलाइज हो चुका है। और देखो दिक्कत ये है, काफ़ी सारे रेगुलेशंस के कारण स्टेट जो है वो फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो एक यहाँ पर बैलेंस इस्टाब्लिश करने की आवश्यकता पड़ती है कि रेडिकलाइजेशन को भी रोका जाए और फैमिली के अंदर स्टेट ज़्यादा इंटरफेयर भी ना करें। तो इस एग्जाम्पल को, इस केस स्टडी को आप इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स में भी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया टेररिज्म से संबंधित और लोन वोल्फ टेरर अटैक से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट के बारे में है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मनीष तिवारी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। मनीष तिवारी कांग्रेस के सांसद हैं। इस आर्टिकल से देखो ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है, दो तीन पॉइंट जो निकल के आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट अब हमारे देश में क्रिएट हो चुकी है और विपिन रावत जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ हैं वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। 24 दिसंबर 2019 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो रिपोर्ट रिलीज की गई, जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके अनुसार अलग से एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, जिसको हेड किया जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा। और ये जो डिपार्टमेंट है
वो देखो कई सारी चीज़ों को देखेगा, हमारे देश में आर्म्ड फोर्सेस को जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, वो भी यहीं पर होगा, जिसके अंदर आर्मी का हेडक्वार्टर, नेवी का हेडक्वार्टर, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर, ये सारे हेडक्वार्टर इसी डिपार्टमेंट में आएंगे। इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी और कोई दूसरा काम हो आर्मी से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड या फिर एयरफोर्स से रिलेटेड, इसके अलावा प्रोक्योरमेंट अगर करना है हथियारों का या फिर डिफेंस से रिलेटेड दूसरी चीज़ों का, वो सब चीज़ें भी यहीं से होके जाएंगी। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन में फर्दर ये भी कहा गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर को हेड करने के अलावा परमानेंट चेयरमैन होंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये होता था तीनों सर्विसेज के चीफ्स में जो सबसे सीनियर होता था वो चेयरमैन होता था चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, लेकिन अब जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो परमानेंट चेयरमैन होंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। नेक्स्ट पॉइंट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर का काम करेंगे डिफेंस मिनिस्टर के लिए। पहले तीनों सर्विसेज के चीफ एडवाइज करते थे डिफेंस मिनिस्टर को अपनी अपनी सर्विस रिलेटेड मैटर्स में। देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो डायरेक्ट कमांड नहीं करेंगे किसी भी सर्विस पे, ताकि वो इम्पार्शियल होकर एडवाइस देश के पॉलिटिकल लीडरशिप को, समझ गए। मगर मतलब अगर चीफ ऑफ डिफेंस का कमांड होगा आर्मी पे या फिर नेवी पे या फिर एयरफोर्स पे, तो वो इम्पार्शियल होकर एडवाइस नहीं दे सकेंगे पॉलिटिकल लीडरशिप को, तो डायरेक्टली उनको कोई मिलिट्री कमांड नहीं दी गई है किसी भी सर्विस पे। बट देखो डिजाइन में एक फ्ला है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के हेड होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो सबऑर्डिनेशन हो जाएगा तीनों सर्विसेज के जो चीफ हैं उनका। हालांकि कागजों में ये नहीं लिखा गया है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रूल बन जाएगा कि तीनों सर्विसेज के जो चीफ हैं वो पहले रिपोर्ट करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं बाद में रिपोर्ट करेंगे पॉलिटिकल लीडरशिप को। वैसे देखो चारों जो हैं, तीनों सर्विसेज के चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फोर स्टार जनरल्स हैं, तो इस प्रकार से सबऑर्डिनेशन होना तीनों सर्विसेज के चीफ का, ये उनमें असंतोष पैदा कर सकता है। नेक्स्ट चीज, इससे देखो ये जो पोस्ट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इससे पहले कोई पोस्ट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मिलिट्री सेक्टर की, बट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट ये भी हो सकता है जो हमारी सिविलियन लीडरशिप है इस लीडरशिप का होल्ड कमज़ोर हो मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर। फिर एक बात ये भी बोली जाती है, देखो एडवाइस तो तीनों सर्विसेज के चीफ भी करेंगे रक्षा मंत्री को, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी करेंगे, लेकिन जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडवाइस करेंगे रक्षा मंत्री को, वो एडवाइस आखिर में मानी जाएगी, ऐसी संभावना ज़्यादा है, और सर्विसेज के चीफ्स की जो एडवाइस है उसको ओवरराइड कर दिया जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एडवाइस से। तो मतलब इसी प्रकार की बातें बोली जाती हैं इस आर्टिकल में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, आज हमने तीन इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप, दूसरे नंबर पे टेररिज्म और लोन वोल्फ अटैक्स, और तीसरे नंबर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट के नुकसान। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।